ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार सुबह दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 20 लोग घायल हो गए। कोहे फिजा थाना इलाके में एक यात्री बस और स्कूल वैन की टक्कर में कई छात्र घायल हो गए। वहीं थाना मिसरोद इलाके में BRTS पर एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसके बाद उसका ड्राइवर भाग गया। हादसे में वैन में सवार कई बच्चे घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि वैन में करीब 20 बच्चे बैठे हुए थे। ये सभी घायल हैं, इन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं भोपाल के मिसरोद थाना इलाके में BRTS कॉरिडोर के पास पिकअप वाहन पलट गया। घटना के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ते को क्लियर करवाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। इसमें ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पिकअप में गैस के सिलेंडर और अन्य सामान रखा हुआ था, जो पलटने के बाद सड़क पर फैल गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।